डंगर 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 नट्टू रे फुट्टू रे जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले इटे ई गुलगुलो 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 एवरीवन दिस इज सकीना अली और कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज आप लोग की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से हम लोग सेकंड पोएम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारी फायर एंड आइस। आपस से हमारे पोएट सेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जिन्होंने फर्स्ट पोएम भी हमारी लिखी है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस पोएट है। अब हम लोग सबसे पहले स्टैंजा पे चलते कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहां बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ये वर्ल्ड दो तरीके से खत्म हो सकता है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि फायर की वजह से आग की वजह से खत्म हो सकता है। बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं कि आइस की वजह से खत्म हो सकता है। अब मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मतलब फायर से आग बिल्कुल भी नहीं है और आइस से बर्फ बिल्कुल भी नहीं है। फायर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इंसान में ह्यूमन बींग्स में बहुत ज्यादा डिजायर है बहुत ज्यादा इच्छा है बहुत ज्यादा इंसान ग्रीडी है लालची है और बहुत ज्यादा लस्ट मतलब बढ़ती ही जा रही है हम लोगों में हवस बढ़ती ही जा रही है तो उस तरीके से ये वर्ल्ड का एंड हो सकता है। जिस तरीके से आग एक छोटे से हिस्से में लगती है और पूरा घर और पूरा संसार डुबा ले जा सकती है उस तरीके से जैसे हमारी इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है और इंसान इस चीज़ पर कंट्रोल करना भी नहीं चाहता है। जितना इसको कंट्रोल करता है उतनी ही ये चाहते और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो लस्ट ग्रीड और हमारे डिज़ायर के जितना इसको कंट्रोल करोगे इतनी बढ़ती जाती है और ये किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग को लेकर हो सकती है। यहाँ मुझे चाणक्य का बहुत ही ज्यादा सुंदर वाक्य याद आ रहा है सुंदर सेंटेंस याद आ रहा है कि चाणक्य जी ने एक बार कहा था कि कोई भी चीज एक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए जहर बन जाती है। चाहे वो पैसा हो धन हो दौलत हो इज्जत हो ताकत हो भूख हो वो हमारे लिए जहर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि फायर मतलब एक आग छोटे से हिस्से में अगर घर के छोटे से हिस्से में लगी तो कितनी जल्दी फैलती है और पूरा घर डुबा ले जाती है। उसी तरीके से ये लालच हमारी ग्रीड लस्ट और डिजायर की वजह से एक दिन ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि अगर मैं मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे यही लगता है कि लोग सबसे पहले फायर की वजह से ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा बिकॉज आग बहुत ही जल्दी तरीके से पूरा घर चपेट में ले लेती है और उसी तरीके से ह्यूमंस अपनी आदतें अगर नहीं बदलेंगे तो ये वर्ल्ड भी उसी तरीके से आग के जैसे एक दिन एंड अप हो जाएगा। अब हम सेकेंड स्टैंजा की बात करते हैं जहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बिल्कुल पूरा ही वर्णन अपना आइस का किया है कि आइस की वजह से वर्ल्ड कैसे एंड अप हो सकता है। आइस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ कंपेयर किया हेट्रेड से। हेट्रेड मतलब नफरत। जिस तरीके से इंसान में बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ती चली जा रही है एक दूसरे को लेके इमोशन ले से कोल्डनेस होती जा रही है। कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है कुछ भी करने से पहले। बहुत ज़्यादा इंसान मतलब भाई भाई का नहीं हो सकता तो हम दूसरों से कहाँ एक्सपेक्टेशंस कर सकते। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेराइज ट्वाइस अगर वर्ल्ड सेकेंड टाइम एंड अप होता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आइस की वजह से होगा। जिस तरीके से इंसान में रिजिडिटी हो गई है इंसान इतना कठोर हो गया है उसका दिल बिल्कुल भी नरम नहीं रह पाया है। इंसान अपने एक दूसरे इंसान के इमोशंस नहीं समझ सकता सभी जगह नफरत भरी पड़ी है तो एक दिन ये वर्ल्ड बिल्कुल आइस की तरह मतलब हेट्रेड की वजह से बिल्कुल खत्म हो रहा होगा। तो यार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही दोनों हमारे स्टैंजास को डिफाइन किया है कि किस तरीके से हमारा वर्ल्ड फायर मतलब आग और साथ ही साथ आइस मतलब हमारे बर्फ की तरह एंड अप हो जाएगा। और फायर से उनका मतलब है लस्ट ग्रीडीनेस और साथ ही साथ हमारा डिजायर और आइस से उनका मतलब है हमारा यहाँ हेट्रेड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही ज्यादा फेमस पोएट है जिन्होंने बहुत प्यारी प्यारी पोएम्स लिखी है और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पोएम लिखी है। अब हम लोग इस पोएम से क्या सीख सकते हैं जिस तरीके से हमने पहली पोएम से लव ईच एंड एवरीवन साथ ही साथ हमें इतना ग्रीडी नहीं होना है
किसी भी चीज के लिए, किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे इतना नहीं भागना है कि हम बिल्कुल उस चीज में जलने लग जाए, क्योंकि एक लालच बहुत बड़ा जहर है कि जो हर इंसान को बिल्कुल मार सकता है और बिल्कुल ये वर्ल्ड एंड अप हो जाएगा उस चीज के लिए। हसल करो यार, लालच मत करो, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी भी बोल रही हूँ, खुदा का थैंकफुल करो कि आज उसने बहुत सारी अच्छी चीजें दी है। आज हमारे पास घर है, मकान है, रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं। वी शुड थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी हैव। तो इसी के साथ इसी पोएम को यहीं एंड अप करते हैं। आई होप आप लोग को पोएम बहुत अच्छी लगी हो। टिल देन केयर करना, एंड आप लोग का पूरा इंग्लिश का कॉन्टेंट इसी चैनल पर आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।